निर्णय हो गया, निर्णय हो गया। ये भूल मत कर लेना कि सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही वैराग्य को धारण करता है, वैराग्य से जीता है। आगे बढ़ते बढ़ते भी चौथे, पांचवे, छठवे, सातवे, जितनी 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 वैराग्य की विशुद्धि बढ़ेगी, उतने उतनी कर्मों की निर्जरा होती है। वह तो वैरागी से वीतरागी बने, वीतरागी से परम वीतरागी बनेंगे। हम वीतरागी नहीं बन पा रहे हैं, परम वीतरागी नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम वैरागी बन जाए। मैं तो कहता हूँ वैरागी भी नहीं बन पा रहे हो, वैरागी भी नहीं बन पा रहे हो, वैरागी भी नहीं बन पा रहे हो तो भी कोई काम, तो भी कोई बिगड़ा नहीं है। पर वीतरागी और वैरागी के नामों को लेकर राजनीति करना बंद कर दो, राग द्वेष करना बंद कर दो, राग द्वेष करना बंद कर लो। इतना भी कर लोगे ना, इतना भी कर लोगे ना, तो बहुत कुछ सुधर जाओगे। पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है सती जी, लातों के भूत। नहीं, मैंने ऐसे सुना है, हमने तो पकड़े नहीं कोई भूत, पर ऐसा सुना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या करे, नरकों में लाते खाएंगे, नरकों में लाते खाएंगे, नरकों में लाते खाएंगे, तभी समझ में आएगा। अरे अरे, मुझे भी कोई कहने वाला था, हमें भी समझाने वाले मिले थे, हमें भी समझाने वाले कहने वाले मिले थे, पर जब लात मिलती है तभी समझ में आती है। बातों से कहाँ समझ में आएगा, बातों में समझ में नहीं आएगा। अभी भी सुन लो, समझ लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। कुछ 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 समय मात्र बचा है माँ पंचम काल का, बहुत अल्प समय, बहुत अल्प समय बचा है। अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। पहले स्वयं संस्कारित हो और फिर बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करो। क्या करे, माँ बाप ही तो संस्कारित होना नहीं चाहते, और बच्चों को क्या खाक संस्कारित करेंगे। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है? बोलो ना, आ रहा है? कितनों को आया समझ में, कितनों को आया समझ में? निर्मल जी तो पहले से समझे समझा है, अभी समझ में नहीं आ रहा। मां भूल मत करो, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ जाता ना तो कब के उठ के वहां के पाटो दी यहाँ आते। समझ में नहीं आ रहा, अभी सुनने में आ रहा है, अभी मात्र सुनने में ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो एक बार समझ में आ गया, हम वहां से आ गए, भगवान को समझ गए, वो यहां से वहां चले गए। अभी समझ में नहीं आ रहा, मात्र सुनने में आ रहा है। समझ जाओगे ना, समझ जाओगे ना निर्मल जी, जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन घर में नहीं रह पाओगे, ये पक्का पक्का लिख के रख लो। अभी समझे नहीं है, मात्र कहते मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पर अभी मात्र शब्दों को ही जानते हो। अभी अभी जाना ही नहीं है, अभी माना ही नहीं है। हम तो बस रोज आते ताली बजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर प्रवचन, हम तो ऐसा और हम तो वैसा। टस से मस नहीं हो पा रहे, टस से मस नहीं हो पा रहे है। भगवान महावीर भी आ जाए ना, क्या करे, नाम ही विदिशा है चेतन जी का, है? हाँ, रस्सी तो पत्थर पे, इतने 9 महीने के निशान तो पड़ले से पड़े थे, कहाँ मिट गए? 9 महीने भी पत्थर घिसा था, हर साल पत्थर घिस रहा है, पर पत्थर कम घिसा पर रस्सी ज्यादा घिस रही है। पत्थर कम घिस रहा है, रस्सी ज्यादा घिस रही, क्यों से लें जी? ऐसे ही है, 9 महीने बच्चे, 9 महीने में तो माँ, 9 महीने में तो बोलो ना माँ हो ना, 9 महीने तो संतान का जन्म होता है। कितनों का जन्म हुआ, कितनों का धर्म में जन्म हुआ? ढोंग नहीं कह रहा हूँ, बाहर की बातें नहीं कह रहा हूँ, भीतर की वैराग्य की बात कह रहा हूँ। ये मत कहना महाराज फिर घर का, इसका, उसका, वो आपका विषय है। वैरागी कहीं दुनियादारी नहीं सोचता,
जिसको वैराग्य हो जाता है वो दुनियादारी नहीं सोचता, किसका क्या होगा, कौन क्या करेगा, वो तो फिर निकल पड़ता है। हैं? हाँ सही है, सब 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 जानते हैं सिंह जी, पर समस्या यही है कि कहीं ना कहीं गाड़ी अटक ही जाती है मोह के कारण। मोह के कारण मोहे मोह सतारा, क्यों भी सिंह साहब जानते सब है पर मोहे मोहे मोह सतारा, जानते सब है सब जानते हैं पर मोहे मोह सतारा है। ध्यान रखना ध्यान रखना, नाटक के मंच से उतरते ही सब सब एक माटी के खिलौने हैं। पढ़ लो श्लोक को, नहीं तो और ज़्यादा सुना दूंगा तो रोने लग जाओगे। कुछ लोगों ने तो 4-5 बार पहुँच ही लिया आंसू। चलो कम से कम आत्मा तक नहीं आँखों तक ही बात पहुँच गई तो बहुत बड़ी बात है। कानों तक तो रोज़ ही पहुँचती है, आँखों तक पहुँच गई फिर कभी हृदय तक और फिर आत्मा तक भी पहुंच जाएगी। पढ़ते हैं अगले श्लोकों को जो सोमप्रभ स्वामी हमें समझा रहे हैं वैराग्य के विषय में। अगर आत्मा का उत्थान करना है, पापों से बचना है, कर्मों का नाश करना है, सुख समृद्धि भी चाहते हो, कल्याण चाहते हो, कल्याण मिल जी, तो वैराग्य के अलावा अन्य कोई पथ नहीं है। मत बनो वैरागी, पर कम से कम राग द्वेष से तो परे हो जाओ। कम से कम वैरागी और वीतरागी के नाम पे ही वे राग द्वेष मत करो। पढ़ो श्लोक पढ़ लेते हैं, इस श्लोक भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत अल्प समय बचा है। श्लोक भी मात्र 10 बजे है, 2 आज पढ़ लेंगे, क्या पता कल हम रहे नहीं रहे, इसलिए पढ़ लेते हैं दोनों श्लोकों को। नमस्या देवानां चरणवरिवस्या शुभ गुरुः, तपस्या निसंलग्न पदमुपस्या गुणवता, निषद्यारण्ये स्यात् कर्णदम विद्या च शिवदा। विराग क्रूराग क्षपण नियोनांत सुरति चेत, पढ़ो एक साथ। और एक श्लोक पढ़ना है। भोगान कृष्ण भुजंग भोग विषमान राजम रचा सन्निशम, बंधु बंध निबंधनानि विषम ग्रामं विषानोपमम, भूतिं भूति सहोदरां तृणतुलं स्त्रैणं विदित्वा त्यवन्। त्वेष्वा सन्ति मनोविदो विलभते मुक्तिं विमुक्त पुमान्, पढ़ो एक साथ। भोगान कृष्ण भुजंग भोग विषमान राजम रजासन्विनम, बंधु बंद चेत गुरु
आगह क्षण निपुण विराग अंतस्फूर्ति देवानाम नमस्याम स्याद। यदि क्रूर पापों का बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, क्या पता फिर सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमें क्षयोक्षम मिले नहीं मिले। यदि क्रूर पापों का क्षय करने वाला वैराग हृदय में स्फुरमान है तो देवादिदेव की नति नुति सफल हो जाती है। यानी जो देवादिदेव को आप नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये सब सफल हो जाता है। कब? जब हृदय में वैराग्य स्फुरमान होता है। अन्यथा ये मात्र क्रिया कांड है। इतना ही नहीं, शुभ गुरु चरण वरिवस्या स्यात्, गुरुओं के चरण कमलों की उपासना भी, गुरु के चरणों की भी उपासना तभी 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 सफल होती है जब भीतर वैराग्य होता है। राग द्वेष से भरकर किसी भी गुरु की सेवा, किसी भी प्रभु की भक्ति सफल हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कितनी ही भगवान और गुरु के नाम को लेकर तेरा मेरा अपना पराया, पता नहीं पता नहीं पता नहीं कौन सी बपोती लेकर भगवान और गुरु का आए है, जिसको लेकर लड़ते हैं कि ये मेरा ये तेरा। अगर ये राग द्वेष परिणति चल रही है तो आपका कार्य, आपकी पूजा जिंदगी भर रगड़ 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 के रख लेना, पर वह सफल नहीं है, क्योंकि वैराग्य के साथ नहीं है। वैराग्य के साथ है तो ही सफल है। और कह रहे हैं निस्समलक्लम पदम तपस्या स्यात्, सीमातीत दुख देने वाली तपस्या। अगर वैराग्य नहीं है तो दुख ही है, चाहे उपवास हो, चाहे एकासन हो, काय क्लेश हो, चाहे जितनी तपस्या कही है, वह मात्र दुख 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 ही देने वाली हो सकती है। अगर तुम्हारे लिए सफल करने वाली वह वैराग्य नहीं है तो वह तुम्हारी तपस्या भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैराग्य के अभाव में, वैराग्य के अभाव में गुणवताम उपस्याम स्यात् अरण्य निषद्या स्यात्, गुणीजनों की उपासना सफल हो जाएगी, जंगल में योगासन भी सफल हो जाएगा अगर वैराग्य साथ है। अगर नहीं है तो किसी की उपासना, किसी की सेवा, जंगल में अकेले में एकांत में योगासन, खड़गासन आदि 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 लगाकर अभी घंटों घंटों महीनों खड़े हो जाना बिना वैराग्य के सफल नहीं है। शिवदा कर्ण दम विद्या स्यात्, कल्याण को देने वाली इंद्रियों का दमन भी वैराग्य के साथ ही सफल है। वैराग्य नहीं है तो ये सब 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 व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए क्या करूं फिर, क्या करूं? उस वैराग्य को धारण करने का प्रयास करो और उस वैराग्य के साथ मुक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इसे अगले 92 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। विरक्तः पुमान कृष्ण भुजंग विश्वान विदित्या। जो वैरागी पुरुष है, राग द्वेष से परा हुआ पुरुष है, वह भोगों को काले सर्प के समान जानकर, भोगों को काले सर्प के समान जानता है, राज्यम रजा सन्निभम राज्य को धूली के समान जानकर, बंधुन बंधनिधंधनानी कुटुंबियों को, बंधुजनों को बंध का कारण जानकर, विषम ग्रामम विष्णोपनम इंद्रियों के विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान जानता है, और भूतिम भूति सहोदरा विभूतियों को भस्म की बहन मानता है। जितनी विभूतियां हैं, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये सब भस्म है, भस्म की बहन के समान मानता है। स्त्रैणम तृणम तूलम विदित्या, स्त्री से उत्पन्न सुख तृण के समान जानता है, तृण के समान जानकर, तेषुम आसक्ति त्यजत, उन भोगों से आसक्ति को छोड़ दो। किससे भोग रहे हो, किसको भोग रहे हो? ये सब सब एक माटी के खिलौने हैं,
उसी माटी से हाथी, उसी से घोड़ा, उसी से ऊंट, उसी से इंसान, उसी से माँ, उसी से बहन, उसी से बेटा, उसी से सब बने हुए हैं। ये जानकर, ये जानकर, ये जानकर उन भोगों से आसक्ति को छोड़ता हुआ आना विलासन मुक्ति विलवते, अतिशय शुद्ध होता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। कौन? जो वैराग्य को धारण करता है। ऐसा विरागी, ऐसा विरागी, ऐसा विरागी। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करो, अपने जीवन को, अपने भावों को, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। समय, समय हो गया है, भाग लो। अब तो भाग लेने का समय आ रहा है। भाग लो, भाग लो, जिंदगी में भाग लो, जिंदगी से भाग लो मत। सबका एक अंतिम लक्ष्य है श्मशान। सबको वही जाकर जलना है। जलने से पहले जलना छोड़ दो, जलने से पहले जलना छोड़ दो, जलने से पहले जलना छोड़ दो। बदला नहीं, बदला नहीं, बदला नहीं, बदलना सीख लो। दूसरों को बदला, दूसरों से बदला लेने का नहीं, अपने आप को बदलना सीख लो। जलना तो सबको है, जलने से पहले राग द्वेष में, कसाय में जलना छोड़ दो। बदला लेने की भावना नहीं, अपने आप को बदलने की भावना को जगा लो। समय हो गया है शैलेन जी, भाग लो या भाग लो। जब सबका स्थान एक ही है, चाहे वो हो चाहे जलने का हो, सबका स्थान, सबका लक्ष्य एक ही है, तो कब तक राग द्वेष और कब तक राग द्वेष की राजनीति खेलते रहेंगे? सोचो, समझो, वैराग्य में भाग लो। वैरागियों से भाग मत लो। राग द्वेष के चक्कर में, राग द्वेष के चक्कर में व्यक्ति वैरागियों से देखते हुए भी वैरागियों से भाग लेता है। वैरागियों से और वीतरागियों से भाग लेने से काम नहीं होगा। उनके साथ अपने जीवन के वैराग्य में भाग लो तो जीवन सफल है। समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।